नाउ सेवन डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के अंदर, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ये हमारा अगला क्वेश्चन है। सबसे पहले बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद डायरेक्टली प्रॉब्लम के ऊपर जंप करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको हमेशा बेसिक्स इसलिए बताता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट सेमेस्टर एंड तक तो वो बेसिक्स आपके दिमाग में चिपके रहे, ठीक है। अब बेसिक्स में एक ही चीज़ समझने की जरूरत है, जब भी हमें क्वेश्चन मिलता है हमें ये देखना पड़ता है कि क्या वो क्वेश्चन इस रूल को सेटिस्फाई करता है क्या। अगर वो इस रूल को सेटिस्फाई करता है उसके बाद हमें कंडीशन चेक करनी पड़ती है, मतलब हमें चेक करना पड़ता है कि क्या डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल है क्या। अगर वो इक्वल है तो इसका मतलब आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है, तो फिर वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की बात होगी, ये सोल्यूशन डाल के डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। बट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, मतलब अगर डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल नहीं आता, तो इसका मतलब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ता है, उसको एग्जैक्ट बनाना पड़ता है। कैसे बनाओगे एग्जैक्ट, इन चार रूल्स के मदद से। इन चारों में से कोई भी एक रूल आप अप्लाई करोगे डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। कैसे अप्लाई करोगे मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसको कोई टेंशन नहीं है। मान लेते हैं इनमें से कोई भी एक रूल आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा आपको। उसके बाद उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आपको क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और थोड़ा सॉल्व करने के बाद आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट हो जाता है। मतलब अभी आपने आपके डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बना दिया, उसके बाद ये सोल्यूशन डाल के डायरेक्टली आप आंसर निकालोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन के ऊपर जंप करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड होने वाला है क्योंकि बहुत बड़ा है, बट फिर दैट इज ओके, देख लेंगे। सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला था कि क्या ये क्वेश्चन रूल को सेटिस्फाई करता है, क्या रूल है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, क्या ये क्वेश्चन उस फॉर्म में, बिल्कुल उसी फॉर्म में, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, मतलब रूल को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे, मतलब डेल एन अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे क्या दोनों वैल्यू सेम है क्या। बट कंडीशन चेक करने के लिए हमें m और n की वैल्यू पता होना जरूरी है। सो ये m है हमें पता है और वो n है हमें पता है, सो m और n की वैल्यू अभी मैं सेपरेटली लिखता हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, y अंदर लेके गया सारों से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया, और यहाँ पे भी x अंदर लेके गया सारों से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ठीक है। m और n की वैल्यूज आ गई। अब डेल m अपॉन डेल y निकालेंगे सबसे पहले, सो डेल m अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, इन सबको वाई के साथ डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, सो दैट इज सबसे पहले इसको 4x³y³ राइट ये आएगा। उसके बाद इसको वाई के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो 3x² y² प्लस इसको दैट इज 2xy और प्लस इसको 1, देन डेल एन अपॉन डेल एक्स। अब इन सबको एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, सो सबसे पहले 4x³y³ माइनस 3x² y² माइनस 2xy माइनस प्लस 1, ठीक है। अब क्या ये और ये सेम है, बिल्कुल भी सेम नहीं है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे यहाँ पे प्लस प्लस है, यहाँ पे माइनस माइनस, सेम नहीं है। इसका मतलब डेल m अपॉन डेल y इज नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। इसका मतलब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। अब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपको उसको एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे एग्जैक्ट, इन चार रूल्स के मदद से। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा रूल अप्लाई करना है, सबसे पहले पहला रूल अप्लाई करके देखेंगे। पहला रूल कब अप्लाई करेंगे, जब m और n होमोजीनियस है तो ही अप्लाई करेंगे। क्या m और n होमोजीनियस है, m ये है, क्या ये होमोजीनियस है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे 4+3 क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, ये 5 है, ये 3 है, ये 1 है, बिल्कुल भी होमोजीनियस नहीं है। यहाँ पे भी 7 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 1 है, बिल्कुल भी होमोजीनियस नहीं है। इक्वल, होमोजीनियस मतलब इक्वल होता है राइट, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है मतलब होमोजीनियस नहीं है, मतलब पहला रूल अप्लाई नहीं करेंगे। दूसरा रूल अप्लाई करके देखते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है, इफ़ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉलोज दिस फॉर्म, अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ये फॉर्म फॉलो करता है तो हम इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब क्वेश्चन, इस फॉर्म को फॉलो करता है, हाँ करता है। फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई, अब यहाँ पे ये सब के सब फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये 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 चलेगा। और उसके बाद y dx, बिल्कुल वही फॉर्म है, प्लस ये सब फंक्शन ऑफ एक्स वाई, उसके बाद x dy, बिल्कुल वो फॉर्म है, एंड इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये इस फॉर्म को फॉलो करता है और इसलिए हम रूल नंबर 2 यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड वन मोर थिंग,
इफ यू आर वंडरिंग कि रूल नंबर 1 कब यूज करना है, रूल नंबर 3 और 4 कब यूज करना है, सबके ऊपर वीडियोस बना के रखे हैं मैंने, प्लेलिस्ट बना के रखा है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अब रूल नंबर 2 यूज करना है हमें पता है, सो अब यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है इट फॉलोज दैट फॉर्म, और फॉर्म यहाँ पे लिख देंगे। अब रूल नंबर 2 यूज करना है, इसमें हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ता है, जैसे कि मैंने बोला। कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसी रूल के हिसाब से, मतलब 1/mx-ny की मदद से। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ if=1/mx-ny, राइट। सो सॉल्व करेंगे इसको, 1/mx मतलब अभी m क्या है ये, इसको हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज x^4 y^4 प्लस x^3 y^3 प्लस x^2 y^2 प्लस xy, अरे बा खतरनाक, माइनस ny। अब इसको y के साथ मल्टीप्लाई करते बैठेंगे, दैट इज x^4 y^4 माइनस x^3 y^3 माइनस x^2 y^2 प्लस xy। हाँ, और एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे देखो मैंने गलती कर दी, माइनस एन वाई, राइट। यहाँ पे माइनस दिस, तो माइनस अंदर जाएगा, राइट। तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, इस गलतियाँ मत करना। अब काटा काटी होगी, दैट इज ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, एंड देन ये दोनों के दोनों कट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/this + this, दैट इज 2x³ y³ एंड प्लस दिस, दैट इज 2x²y² ये बचेगा हमारे पास। अब इसमें से 1/2x²y² को मैं कॉमन ले रहा हूँ, और यहाँ पे बचेगा xy और +1, ठीक है। अब और आगे कुछ नहीं कर सकते, बस यहाँ तक ही रखना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब जब आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसा आता है, मतलब यहाँ पे जब ऐसा कांस्टेंट है, यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है, राइट। तो जब ऐसा आता है आपको क्या करना है, इस कांस्टेंट को ड्रॉप कर देना है, 1/2 को ड्रॉप कर दो, ठीक है, मतलब निकाल दो। ऐसा आप इसीलिए करते हो क्योंकि आगे आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो यहाँ पे भी इधर 1/2 आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इधर 1/2 था, तो अगर 1/2 आप उधर लेके गए तो उधर तो कांस्टेंट ही है, राइट। एंड अब आप ये बोलोगे कि हम इसको क्यों ड्रॉप नहीं करते, हम इसलिए इसको ड्रॉप नहीं करते क्योंकि इसी से तो ही फंक्शन बनता है, मतलब ये है इसीलिए तो फंक्शन है, इसलिए इसके साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते, और इसलिए ये 1/2 को हमें ड्रॉप करना चाहिए। बट अगर आप नहीं भी करना चाहते हो, दैट इज टोटली फाइन, ऐसा कंसिडर कर सकते हो एग्जाम में। बट अगर आप ऐसा करते हो तो टीचर को लगता है कि आप एक पढ़े लिखे इंसान हो, नहीं तो टीचर आपको भोंदू समझेगी, राइट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब अभी आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है। अब जैसे कि मैंने बोला था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हमें क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमें पता चल गया कि रूल नंबर 2 यूज करना है, तो अभी इन सब का कुछ काम नहीं है। और लाइक इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद, सॉल्व करने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगा, और उसके बाद हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं बता दे रहा हूँ, तो अभी इसको ध्यान में रखो, या अगर किधर कॉपी वॉपी करना है तो वो भी करके रखो, ठीक है। सो अभी मैं इसको रफ करता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ। क्या करेंगे हम लोग, ये मैं यहाँ पे वैसे का वैसा लिखता हूँ, मतलब यहाँ पे 1/x²y² और xy+1, और उसके बाद ये वैसे का वैसा, मैंने यहाँ पे 1/2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये हमने ड्रॉप कर दिया। अब ये वैसे का वैसा यहाँ पे लिखूँगा, और इसके बाद क्या है, प्लस है, सो प्लस। अब यहाँ पे फिर से 1/x²y² और xy+1, और उसके बाद ये जो है ये यहाँ पे वैसे का वैसा लिखा जाएगा, =0, यहाँ पे x नहीं आएगा, y आएगा, ओके। अब यहाँ पे देखो, ये y और ये स्क्वायर कट हो जाएगा, और ये x और ये स्क्वायर कट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो इनमें से मैं x²y² को कॉमन लूंगा। अगर मैं इसमें से x²y² को कॉमन लूंगा तो मुझे, तो मेरे पास क्या आएगा, 1/x² y और
एक्स वाई प्लस वन, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन लिया, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और मेरे पास बचेगा एक्स वाई प्लस वन, राइट, और उसके बाद प्लस एक्स वाई प्लस वन और डी एक्स, ठीक है, और प्लस, और इसको भी मैंने ब्रैकेट में डाल दिया एक्स वाई प्लस वन को, ऐसे मैं कर सकता हूँ, और उसके बाद प्लस इसमें भी मैं ऐसी कुछ तो भी उठपटांग चीज़ करूँगा, यहाँ पे भी मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को कॉमन लूँगा, तो अगर यहाँ पे मैं ऐसा करूँगा तो मेरे पास आएगा वन अपॉन एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस वन, और उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और उसके बाद एक्स वाई माइनस वन आएगा यहाँ पे एक्स वाई माइनस वन, और इसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे माइनस लिखूँगा। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी यहाँ पे देखो एक्स वाई प्लस वन आया, यहाँ पे भी एक्स वाई प्लस वन आया, यहाँ पे भी एक्स वाई माइनस वन आया, तो यहाँ पे भी मैं चाहूँगा कि एक्स वाई माइनस वन ही कॉमन आए, मतलब बेसिकली एक्स वाई माइनस वन ही आए, इसका बाद में रिलेवेंस होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैं बाहर माइनस लिखूँगा, और अगर बाहर माइनस लिखा तो यहाँ पे एक्स वाई माइनस वन आएगा, और उसके बाद डी वाई एंड इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, अगर आई मीन इसको सॉल्व किया तो बेसिकली यही आता है माइनस एक्स वाई प्लस वन, तो बेसिकली लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक्स वाई प्लस वन कॉमन आएगा, और यहाँ पे भी एक्स वाई प्लस वन कॉमन आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स वाई माइनस वन लिखा, सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई एंड एक्स वाई प्लस वन, और यहाँ पे मैं एक्स वाई प्लस वन को कॉमन लिखूँगा, और अगर मैंने ऐसा किया तो यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वन एंड डी एक्स, राइट, एंड प्लस यहाँ पे वन अपॉन एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस वन, एंड यहाँ पे एक्स वाई माइनस वन कॉमन आएगा, एंड अगर ऐसा हुआ तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वन एंड डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब क्या होगा, ये इसके साथ डिवाइड होगा, मतलब ये और ये कट हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन ही है, एंड उसके बाद ये अपॉन ये प्लस ये अपॉन ये, सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई, एंड उसके बाद प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स, प्लस अब इसमें क्या होगा वन अपॉन एक्स वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई प्लस वन, और उसके बाद यहाँ पे ऊपर क्या होगा एक्स वाई माइनस वन, और यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन है, राइट, अब ये बिल्कुल भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो वाई स्क्वायर हम लिख सकते हैं, मतलब बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया जाएगा, दैट इज दिस प्लस दिस दिस माइनस दिस, दैट इज सो एक्स वाई प्लस वन एक्स वाई माइनस वन, सो एक्स वाई प्लस वन और एक्स वाई माइनस वन है, यहाँ पे भी एक्स वाई माइनस वन है, तो सिंपली यहाँ पे मैं स्क्वायर लिख दूंगा, उसके बाद डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, ये एक्स वाई प्लस वन और ये एक्स वाई प्लस वन कट हो जाएगा, सो क्या मिलेगा हमें, ये कट ये कट ये कट ये कट, वाई प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स, एंड उसके बाद प्लस वन अपॉन एक्स वाई स्क्वायर, और ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर ए माइनस बी द होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, सो दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वन, ठीक है, एंड उसके बाद डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको सॉल्व किया जाएगा, दैट इज अब यहाँ पे इसको मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूँ y प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई, एंड ये हमारा डी एक्स प्लस मल्टीप्लाई करते बैठेंगे, सो दैट इज इसको इसके साथ डिवाइड किया तो क्या आएगा, ये वाई स्क्वायर कट हो जाएगा, यहाँ पे x और इधर का एक एक x कट हो जाएगा, दैट इज x, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, और माइनस इसको इसके साथ किया तो क्या आएगा, ये कट हो जाएगा ये कट हो जाएगा, और ऊपर बचेगा 2 और नीचे बचेगा y, और प्लस 1 अपॉन
एक्स वाई स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज डी वाई इज इक्वल टू जीरो. क्रेजी, दिस इज क्रेजी. अब यहाँ पे आगे हम कुछ नहीं कर सकते और इधर ही हमारा डी ई इज एग्जैक्ट, मतलब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन अभी एग्जैक्ट हमने कन्वर्ट कर दिया है. ठीक है, सो अभी हमें कैसे पता चलेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है? दो चीज़ है, एक तो आगे हम और डिवाइड नहीं कर सकते और दूसरी चीज़ एम एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में ये आ जाता है. ठीक है, दोनों चीज़ें सेटिस्फाइड हो गया, मतलब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है. अब इसके बाद क्या करना है, जैसे कि मैंने बोला था कि वो जो फॉर्मूला जो मैंने रफ किया था वो फॉर्मूला यूज़ करके डायरेक्टली आंसर निकालना है. सो अभी एक तो चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, ये हमारा m है नया वाला और ये हमारा n है नया वाला, तो नए वाले m और n यूज़ करते हैं. तो अभी मैं ये रफ़ कर देता हूँ और आगे बढ़ेंगे हम लोग. सो अभी हमारा वो रफ़ किया हुआ फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इज इक्वल टू ज़ीरो, आई मीन नॉट ज़ीरो, सॉरी c. ओके, c बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे ज़ीरो लिखोगे तो एग्ज़ाम में ज़ीरो है, c लिखना ज़रूरी है. अब और यहाँ पे y कांस्टेंट और यहाँ पे नो x, ये क्या है मैं आपको बाद में बताऊँगा. अब इंटीग्रेशन ऑफ m, m क्या है, नया वाला m ये है y प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई, y प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n डी वाई, बट यहाँ पे जो n लिखेंगे उसमें कोई भी x का टर्म अलाउड नहीं है. अब यहाँ पे इसमें x टर्म है तो ये लिखने नहीं वाले, इसमें भी x टर्म है तो ये भी लिखने नहीं वाले, बचा माइनस टू अपॉन y, तो माइनस टू अपॉन y ही लिखेंगे. सो दैट इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टू अपॉन y डी वाई इज इक्वल टू c. अब सॉल्व किया जाएगा इसको विद रिस्पेक्ट टू x, अगर इंटीग्रेट किया तो आंसर आएगा एक्स वाई प्लस, इसको अगर विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किया तो 1 अपॉन y बाहर चले जाएगा, बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को मैं x रेस टू माइनस टू भी लिख सकता हूँ, इसको मैं x के साथ इंटीग्रेट करूँगा तो आएगा x रेस टू माइनस टू प्लस 1 अपॉन माइनस टू प्लस 1, दैट इज x रेस टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1. तो इसको मैं माइनस 1 अपॉन x भी लिख सकता हूँ, सो माइनस 1 अपॉन x इज द आंसर, माइनस 1 अपॉन x. एंड उसके बाद माइनस 2 वन अपॉन y को विद रिस्पेक्ट टू y अगर इंटीग्रेट किया तो आएगा log y इज इक्वल टू c. ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ और ये आपका फाइनल आंसर है.